अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए, बहुत पुरानी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन इस कहावत के कुछ शब्द फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले टीएमसी के जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे, चुनाव के बाद वही कार्यकर्ता एक बार फिर जोर लगा रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़कर वापस टीएमसी में शामिल हो जाएं। और इतना ही नहीं, वापस टीएमसी में शामिल होने के लिए ये कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वैसे एक और कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आगे क्या होगा, टीएमसी क्या फैसला लेगी, ये बड़ा सवाल है। हाथों में तख्ती, तख्तियों पर माफीनामा और गुहार घर वापसी की। गुहार ममता दीदी से कि बीजेपी के साथ जाने की गलती को छोटी भूल मानकर अब माफ कर दिया जाए। और इन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ममता दिखाकर उन्हें टीएमसी में वापस लिया जाए। बीरभूम में धरने पर बैठे ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में बंगाल का सियासी चक्र बदलने की उम्मीद थी, और इसी बयार में वो बीजेपी के साथ हो गए थे। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो ममता के सामने बदलाव की उम्मीदें धरी की धरी रह गई, और फिर टीएमसी में वापसी के लिए मान मनोवल और माफी का दौर शुरू हो गया। बीरभूम में 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। पार्टी नेताओं ने धरने पर बैठे इन कार्यकर्ताओं की मांग मानकर उन्हें टीएमसी में वापस भी ले लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद लगातार कार्यकर्ताओं के टीएमसी में वापसी का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें बीते हफ्ते की हैं, जब बीरभूम में ही बीजेपी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के साथ सड़कों पर उतरे थे और गांव-गांव में घूमकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। बंगाल में कार्यकर्ताओं के इस तरह पार्टी छोड़ने से बीजेपी भी परेशान है, हालांकि वो इसकी वजह हिंसा का डर बता रही है। केवल कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी में जाने वाले कई बड़े नेताओं के भी टीएमसी में वापसी की अटकलें हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे पहले ही घर वापसी कर चुके हैं। दावा है कि राजीव बनर्जी भी लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर टीएमसी में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता टीएमसी में लौटने को तैयार है। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. ऐसी सूरत में ये साफ है कि बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी में मची भगदड़ की कई और तस्वीरें जल्द सामने आ सकती हैं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। अब पश्चिम बंगाल से आपको लेकर चलते हैं राजस्थान।